बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये मैसेज आ रहा है, आपको भी आया होगा या हो सकता है आने वाला हो। अब करना क्या है ये मैसेज आने के बाद, और ये मैसेज बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इस तरह का अगर मैसेज आया है या नहीं आया है तो वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो। उससे होगा क्या, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट होते रहते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते रहते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते रहते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते रहते हैं, बहुत सारे लोन की स्कीम आती रहती है, और ये सब सिर्फ जानकारी आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जी हाँ, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में आपका या आपके परिवार का किसी का भी अकाउंट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें से मैसेज ये भी आ रहा है, BY योर अकाउंट नंबर इतना हैज बिकम डोरमेंट ऑन 3 अप्रैल 2024, प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच। अब इस मैसेज का मतलब समझ लेते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूँ, अगर आपको कोई भी मैसेज आता है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, कोई भी मैसेज आता है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। इससे होगा क्या, देखिए दोस्तों, कमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मैसेज है में अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 अंक है इसको बदल देना है, इसके अलावा अगर ATM नंबर के है लास्ट के 4 अंक उसको बदल देना है, अगर मोबाइल नंबर है लास्ट के 4 अंक, मतलब कोई भी अंक होता है, अंक ठीक है, डिजिट, उसके लास्ट के 4 अंक बदल दो, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा मैसेज जैसे का है वैसे का वैसे ही मुझे मैसेज किया करो, उससे बाकी लोगों को भी वीडियो बनाकर समझाने में मदद मिलेगी, ठीक है, बाकी लोग भी आपके आभारी रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये मैसेज आया है, इस मैसेज के आने के बाद करना क्या है, देखिए दोस्तों, सर क्लियर कट लिखा हुआ है ये मैसेज में, क्या लिखा हुआ है, योर अकाउंट नंबर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपका अकाउंट नंबर इतना है, लास्ट के 4 अंक ये है, हैज बिकम डोरमेंट, बंद हो गया है और 30 अप्रैल 2024 को बंद हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट नंबर देने का सबसे बड़ा फायदा ये है, बैंक ऑफ इंडिया अगर हमें अकाउंट नंबर देती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा सीधा बैंक ऑफ इंडिया ले देती है कि अकाउंट नंबर हैज बिकम डोरमेंट। अब पता कैसे चलेगा, हमारा मोबाइल नंबर तो लिंक है हमारे अकाउंट नंबर के साथ भी, हमारी वाइफ के अकाउंट नंबर के साथ भी, माता पिता के अकाउंट नंबर के साथ भी, तो अगर लास्ट के 4 अंक नहीं देती है बैंक ऑफ इंडिया तो कैसे पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेरी आते थे तो बैंक ऑफ इंडिया ने अब इस तरह से क्लियर कट अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 अंक देना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट जो है, ये अकाउंट नंबर, इस तरह का अकाउंट नंबर लास्ट के 4 अंक जिसके ये है, वो डोरमेंट हो गया है, बंद हो गया है। बंद इसलिए हुआ है कि इसमें लेन देन बहुत समय से नहीं है, काफ़ी समय से इनएक्टिव है, इसकी वजह से ये डोरमेंट कर दिया गया है, डोरमेंट हो गया है RBI के नियमानुसार। अब उसमें करना क्या है, प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच। जी हाँ, इसमें लिखा है कॉन्टेक्ट ब्रांच, लेकिन आपको साइकिल उठाकर गाड़ी निकालकर गाड़ी चलाकर पेट्रोल जलाकर तुरंत बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना, जैसे ये मैसेज आता है तो आप अपना पैन कार्ड की कॉपी करवाइए, फोटो कॉपी करवाइए, आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवाइए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तैयार कीजिए। इतना करने के बाद ब्रांच में जाइए, ब्रांच में जाकर आपको KYC फॉर्म लेना है, KYC फॉर्म भरना है, KYC फॉर्म भरने के बाद कितने दिनों में KYC होता है, कितने KYC हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, इन सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, लेकिन प्रोसीजर आपको यही करनी रहेगी। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।